की हार का कारण क्या देखते हैं आप? बाड़मेर की हार का कारण जातिवाद, क्लियर कट जातिवाद, ध्रुवीकरण हो गया। एक रविंद्र सिंह हमारा हमारे पास में आया था, हमारा कार्यकर्ता था, उसने टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया। नहीं देना कई पर समीकरण होते हैं। तो उसके बाद उसने वहां शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ दिया, तो जनता ने जिता दिया। तो जीतने के बाद उसको वहां की जनता की सेवा करना चाहिए था, इस सरकार के, हमारी सरकार के साथ मिलकर के सेवा करता तो जनता के भलाई कर सकता था। आपको लगता है रविंद्र सिंह ने धोखा दिया जनता? निश्चित रूप से उस शिव की जनता को तो धोखा ही दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और वो वर्तमान सरकार के साथ मिलकर के काम करता तो जनता की बहुत सेवा कर सकता था। उसके मन में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, इतनी जागृत हो गई कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ दूंगा निर्दलीय, और वो उसने हमारा नुकसान किया है। अब पहले यदि हमारे साथ रहता तो हम उसको हाथों में रखते, और अभी वो किरकिरी बन गया हमारे सामने। सर, बाड़मेर के लोग, कुछ नेताओं ने कहा खिजड़ो ऊंट है रविंद्र पार्टी, आप किस तरह से देखते हैं? खिजड़ो मानी बेलगाम ऊंट है, मतलब बेलगाम है। हाँ, तो निर्दलीय को तो यही कहोगे ना, उसका कौन लगाम कहाँ है? जैसे बीजेपी की लगाम है, कांग्रेस की भी अपनी लगाम है, तो निर्दलीय की तो क्या है? वो तो बेलगाम ही हुआ, कभी किधर जाए किधर जाए कुछ भी नहीं कह सकते। अब हमारा नुकसान किया, हमारे साथ आने को तैयार था, फिर लोकसभा में हमारा नुकसान किया। मुझे मिला एक दिन, ट्रेन के अंदर मिला, तो मेरे पास बैठे, मैंने खूब बात करी, यही बात कही मैंने। मैंने कहा आप बहुत बड़ा काम कर सकते थे, शिव विधानसभा की जनता का बहुत भला कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि अब आपको वो प्यार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा नुकसान किया वो, हमें तो दुखी है ना उस बात का। अच्छा, समाज को तोड़ दिया, समाज का नुकसान किया। हमारा समाज एक था, राजपूत, जाट, अन्य जातियां सब मिलकर के आपस में प्रेम से रहती थी। अब उनको इतना खाई पटक दी, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा कर दिया, और ये जातिगत विद्वेष फैलाना, मैं सोचता हूं कि ये समाज का दुश्मन है। रविंद्र पार्टी, कोई भी जो जातिगत विद्वेष फैलाता है, जातियों को मतलब तोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा करता है। पर सर, आप कह रहे हो कि उन्होंने जातियों को तोड़ा।